नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यश स्टडी गन पे। जैसे कि स्टैंड साहब सबको बताइए, कुछ दिनों पहले हमने आपके जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपका जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमने आपके जो सेक्शन बी होता है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। लगभग दो वीडियो हमने आपको बनाए थे जिसमें हर क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होता है, सेक्शन बी में 10 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपके जो 3 यूनिट होती है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और सेकंड वीडियो में हमने बाकी की जो 2 यूनिट है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। उस वीडियो में हमने कहा था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आते हैं, तो हम जो आपके सेक्शन ए होता है जिसमें हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें नॉर्मली आपसे डेफिनेशन और फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो आज हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको विद आंसर यानी आंसर सही था हम आपको सेक्शन ए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है, अगर आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपके 20 मार्क्स से जो 20 नंबर है आपके वो लगभग आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो का आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी तरह से जितने भी हमने क्वेश्चन बता रहे उसके आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको अपडेट और साथ में जो बीएससी से रिलेटेड आपको जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं, हालांकि सभी स्टूडेंट्स को पता ही किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर ये उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सिलेबस में ये सभी टॉपिक्स है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, इन क्वेश्चंस को तैयार आप कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करे तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में आपको 5 यूनिट के यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे सेक्शन ए के लिए। इससे पहले हमने आपके सेक्शन बी के लिए 2 वीडियो बनाए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देख रखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि क्या स्टूडेंट्स की समाकारिता की अष्टी यानी जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है उसको आपको परिभाषित करना है, जिसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो कि क्या स्टूडेंट्स की माना एफ किसी एक ग्रुप जी से दूसरे ग्रुप जी में परिभाषित समाकारिता हो तो जी के उन सभी अवयवों का जो समुच्चय के होता है जिनका प्रतिबिंब क्या होता है स्टूडेंट यानी इसका जो इमेज क्या होती है जी डैश होता है का तत्समक अवयव ई डैश है, तो एफ की वो क्या कहलाता है अष्टी कहलाता है यानी कर्नल यहाँ पर कहलाता है। अभी यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की कर्नल एफ इक्वल टू क्या होता है जहाँ पर आपके एक्स है वो किस में बिलोंग करता है ग्रुप जी में बिलोंग करता है, और यहाँ पर आपके एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर ई डैश आपके होता है, वो ई डैश क्या होता है स्टूडेंट्स जी डैश का यहाँ पर क्या होता है तत्समक अवयव होता है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जामों में काफी बार पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट यहाँ पर आपके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगातार यूनिवर्सिटी एग्जामों में आपके पूछा जाता है, जो कि क्या है कि शून्य भाजक सहित वलय को समझाइए यानी रिंग विद 0 डिविजर। अभी स्टूडेंट यहाँ पर आपके थोड़े क्वेश्चन बाद आपके शून्य भाजक रहित वलय भी आएगी यानी रिंग विदाउट 0 डिविजर भी आपके आएगा। ये दोनों डेफिनेशन आपके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अभी इसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा कि किसी वाले आर में ए और बी ऐसे अवयव विद्यमान हो जहाँ पर ए आपके नॉट इक्वल टू 0 होता है और बी भी क्या होता है स्टूडेंट्स आपके नॉट इक्वल टू 0 होता है, फिर भी क्या होता है बी इक्वल टू 0 हो तो आर शून्य के भाजक हो सहित वलय यहाँ पर कहलाता है। ये डेफिनेशन स्टूडेंट यहाँ पर आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन में थर्ड आता है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का कथन कीजिए, जो कि क्या स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा कि एक से अधिक हर प्राकृत संख्या या तो अभाज्य होती है या फिर वह अद्वितीय अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। ये क्या होता है स्टूडेंट आपके अंक गणित की मूलभूत प्रमेय होती है, ये भी काफी बार आपके पूछ ली जाती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था शून्य भाजक सहित वाले, अभी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट आपके शून्य भाजक रहित वाले को परिभाषित कीजिए यानी शून्य भाजक रहित वाले यानी रिंग विदाउट 0 डिविजर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट की कोई वाले आर शून्य के भाजक को रहित वाले कहलाती है यदि आर में शून्य के भाजक विद्यमान ना हो। यदि यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट आपके जो ए और बी है वो आर में बिलोंग करते हैं और ए बी क्या होता है इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट या तो आपके ए इक्वल टू 0 होगा या फिर आपके बी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपकी ये डेफिनेशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जो कि क्या है कि निम्न रैखिक अवशेष के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4x5 इक्वल टू मोड 6 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अभी इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा
जो कि क्या है कि 4x इक्वल टू 5 मोड 6 यहाँ पर आपको दिया, इसकी तुलना आपको किससे करनी है स्टूडेंट्स, ए एक्स इक्वल टू बी मोड एम से यहाँ पर आपको तुलना करनी है। जैसे आप इसकी तुलना करते यानी कंपेयर करते तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या मिलता है स्टूडेंट्स, आपको 4 मिलता है और बी इक्वल टू क्या मिलता है 5 मिलता है और एम इक्वल टू क्या मिलता है स्टूडेंट्स 6 आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5 और एम इक्वल टू यहाँ पर 6 आपको मिलता है। यहाँ पर डी क्या होता है स्टूडेंट्स, ए कोमा एम होता है, तो यहाँ पर आपको 4 और यहाँ पर 6 यहाँ पर आपको ए और एम की वैल्यू मिली, तो यहाँ पर हम 4.6 लिख देते हैं और ये किसके इक्वल हो जाता है 2 के इक्वल यहाँ पर आपके हो जाता है, जो कि स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो बी इक्वल टू 5 होता है उसको यहाँ पर ये विभाजित नहीं करता है। अतः फलतः दिए समशेष का जो हल यहाँ पर आपके नहीं होता, यही स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो कि क्या है कि गुणजावली किसे कहते हैं यानी आइडियल्स किसे कहते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। यहाँ पर देखिएगा किसी रिंग आर के एक अरिक्त उपसमुच्चय यानी जो नॉन वर्ड सबसेट होता है आई को हम क्या कहते हैं, आर की एक गुणजावली कहते हैं यानी आइडियल्स हम कहते हैं। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपकी दो कंडीशन आती है, फर्स्ट आप देखिएगा ए किसमें बिलोंग कर रहा है यानी किसमें विद्यमान होता है, आपके आई में विद्यमान होता है यानी आइडियल्स यानी गुणजावली में बिलोंग करता है। बी भी किसमें बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, आपके ये एलिमेंट ये भी आपके आई में बिलोंग करता है, तो ए माइनस बी भी किसमें बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, आपके आई में बिलोंग करेगा। सेकंड वाला देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपके ए आई में बिलोंग करता है और जो स्मॉल आर है वो आपके कैपिटल आर यानी रिंग यानी वले में बिलोंग करता है, तो तब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि जो आर ए होता है और ए आर होता है यानी जो आपकी वाम गुणजावली और जो दक्षिण गुणजावली यानी राइट और लेफ्ट आपके जो आइडियल्स होता है स्टूडेंट्स वो किसमें बिलोंग करेगा, आपके आई में बिलोंग करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में काफी बार ये डेफिनेशन पूछी गई है, जो कि क्या है कि मुख्य गुणजावली किसे कहते हैं, तो इसे स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिएगा कि यदि किसी रिंग आर की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्य गुणजावली रिंग हम कहते हैं, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है स्टूडेंट्स आपके, जो कि क्या है कि क्षेत्र को परिभाषित कीजिए यानी फील्ड को आपको डिफाइन करना है। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि एक वाले आर क्षेत्र कहलाता है यानी फील्ड कहलाता है, अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स, एक तो ये क्रम विनिमय होना चाहिए यानी कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये इकाई सहित वाले यहाँ पर आपकी होनी चाहिए यानी यूनिट आपकी रिंग होनी चाहिए, सी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रत्येक अशून्य अवयव आपके जो होता है यानी नॉन जीरो एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स वो आपके आर में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान इसका होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्षेत्र की परिभाषा होती है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि पूर्णांकीय प्रांत पर यहाँ पर बहुपद को आपको समझाना है यानी जो इंटीग्रल डोमेन होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, तो देखिएगा कि एक वले जो कि यहाँ पर इकाई सहित हो तथा शून्य भाजक रहित तथा क्रम विनिमय हो यानी कॉम्यूटेटिव हो, तो उस वले को हम क्या कहते हैं, पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं यानी इंटीग्रल डोमेन हम कहते हैं, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है स्टूडेंट्स, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, जो कि क्या स्टूडेंट्स की तुल्यकारिता को परिभाषित आपको करना है यानी आइसोमोर्फिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि किसी ग्रुप यहाँ पर जो आपके ये ग्रुप है जी कॉमा यहाँ पर स्टार या जो स्टार यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके द्वि आधारी संक्रिया होती है यानी बाइनरी ऑपरेशन होती है आपकी, से ग्रुप जो आपका दूसरा ग्रुप है जी डैश और यहाँ पर ओ क्या है स्टूडेंट्स, इसकी ये बाइनरी ऑपरेशन होता है यानी द्वि आधारी संक्रिया होती है, पर परिभाषित समाकारिता एफ यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एक की आच्छादक होता है यानी 1:1:2 होता है स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, समाकारिता को तुल्यकारिता हम कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन होती है, इसके भी आपके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इससे पहले स्टूडेंट्स आपने जो 10 क्वेश्चन देखे वो आपके सेक्शन ए के लिए जो यूनिट फर्स्ट है उसके लिए क्वेश्चन थे, अब जो कुछ क्वेश्चन आने वाले स्टूडेंट्स वो आपके सेकंड और थर्ड यूनिट आपकी जो होने वाली है, आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स आपकी कौन सी बुक होती है, तो सेकंड के अंदर होती है स्टूडेंट्स आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित की बुक होती है और यूनिट थर्ड के अंदर स्टूडेंट्स आपकी जो इंटीग्रल कैलकुलस यानी आपकी समाकलन गणित की बुक होती है, तो कुछ क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर यहाँ पर मिलने वाले। तो आप देखिएगा 11th वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की संयुक्त फलन किसे कहते हैं, जो कि आपकी यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा कि कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आप देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में पूछी गई है, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि यू इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स कॉमा वाई होता है, जहाँ पर आपके एक्स और वाई स्वयं भी एक अन्य चर आपके जो यहाँ पर अदर वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स आपके टी के फलन हो, यथा यहाँ पर आप देखिएगा एक्स इक्वल टू क्या होता है फाई टी होता है और वाई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स आपके साई टी होता है, तो यू को एकल स्वतंत्र चर टी का हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स संयुक्त फलन कहते हैं यानी कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन है, इसे आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर आपकी क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जो कि आपकी यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है,
जो कि क्या है कि क्षेत्र कलन को परिभाषित कीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके, ये होता है जो कि देखिएगा कि किसी समतल वक्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्षेत्र कलन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जो कि आपकी यूनिट थर्ड का ही क्वेश्चन है कि चाप कलन को परिभाषित कीजिए। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आप देखिएगा कि चाप कलन किसी समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, चाप कलन कहा जाता है। ये भी आपकी काफी बार पूछी जाती है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, जो कि आपकी यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, जो कि क्या है कि अनंत स्पर्शी को परिभाषित कीजिए, यानी एसिम्प्टोट्स को आपको डिफाइन करना है। और आप सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका ये चैप्टर है अनंत स्पर्शी और यानी एसिम्प्टोट्स और जो आंशिक अवकलन है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको तो हमने अच्छी तरह से यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पर आपके लिए समझा रखा है। साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें तो हमने पूरा जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ही आपको अच्छी तरह से करा रखा है, ठीक है। और ये जो अनंत स्पर्शी चैप्टर है वो तो आपको यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी पूरी हमने क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रखी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होती है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपकी, जो कि क्या है कि जब किसी वक्र का कोई बिंदु पी वक्र अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से पी की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, तब वह सरल रेखा वक्र की एक अनंत शाखा की क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, अनंत स्पर्शी कहलाती है, यानी एसिम्प्टोट्स कहलाती है। अगर स्टूडेंट्स आप ये आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होती तो आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा जो कि वक्र को अनंत की ओर अग्रसर करे उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम अनंत स्पर्शी कहते हैं, यानी अ टेंजेंट टू एनी कर्व व्हिच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होती है तो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स की अस्पष्ट फलन यानी जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसको परिभाषित करना है यानी डिफाइन करना है, जो कि आपकी यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यदि एक्स तथा वाई में एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है यदि एक बीजीय संबंध दिया हो तथा वाई के मान यहाँ पर एक्स के पदों में स्पष्ट ज्ञात नहीं किया जा सके, तो वाई को हम एक्स का क्या कहते हैं अस्पष्ट फलन कहते हैं यानी इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन बताई थी, वो तो इंपॉर्टेंट होती है। साथ में स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्या स्टूडेंट्स की एक्स के सापेक्ष आपको एक्स के समांतर यानी एक्स के पैरेलल स्टूडेंट्स आपको अनंत स्पर्शी है वो फाइंड करके बताना है, या वाई के समांतर यानी वाई के पैरेलल आपको एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी है उसे ज्ञात करके बताना है यानी फाइंड आपको करके बताना है। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है। इसके ऊपर हमने स्टूडेंट्स आपके लिए अनंत स्पर्शी चैप्टर है उसके अंदर आई थिंक आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस करा रखे, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके 2 मार्क्स में आपके पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस बने रहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 16 आता है, जो कि क्या है कि एनवेलप को परिभाषित करने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को क्या करता है स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के किसी ना किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है तो वह उसे वक्र का क्या कहलाता है अनुवलोप कहलाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है स्टूडेंट की नति परिवर्तन बिंदु को परिभाषित करना है। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि बिंदु ए पर सरल रेखा एम एन के सापेक्ष एक और अवतल तथा दूसरी ओर क्या होता है उत्तल होता है, तो ऐसे बिंदु ए को नति परिवर्तन बिंदु हम कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आता है, जो कि क्या है कि केंद्रज को परिभाषित कीजिए। अब इसकी डेफिनेशन आप देखिएगा कि किसी वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदु पथ उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट केंद्रज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आता है, जो कि काफी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये होता है स्टूडेंट, जो कि क्या है कि आइलर यानी यूलर प्रमेय का आपको क्या करना है कथन आपको लिखना है, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा यदि एफ एक्स कोमा वाई चरो एक्स तथा वाई की एन घातीय समघात फलन हो, तब यहाँ पर आप देखिएगा ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ आपके होता है। और कई बार आपकी जो ये सेक्शन बी है जिसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपको इसको प्रूफ करने को भी दे दिया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 20 आता है, जो कि देखिएगा कि समघात फलन को परिभाषित यहाँ पर आपको करना है, यानी यहाँ पर आपके देखिएगा स्टूडेंट होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि दो चरों के कलन f x कोमा वाई के प्रत्येक पद में यहाँ पर यदि x तथा वाई की घातों का योग सदैव समान और माना यहाँ पर n रहता है तो यह फलन स्टूडेंट n घात का क्या कहलाता है समघात फलन कहलाता है, यानी होमोजीनियस फंक्शन आपके कहलाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके आप क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, जो कि आपकी जो यूनिट आपकी थर्ड होती है उसका क्वेश्चन है इंटीग्रल कैलकुलस यानी जो समाकलन गणित की बुक का क्वेश्चन है जिसमें आपकी जो बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर होता है। अब उसका क्वेश्चन देखिएगा कि गामा फलन यानी जो गामा फंक्शन को आपको परिभाषित करना है
यानी इसको डिफाइन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स आपके, देखिएगा कि गामा फलन क्या होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या यानी जो पॉजिटिव आपके रेशनल नंबर होता है एन के अनंत समाकल यानी जो इन्फिनिटी आपके इंटीग्रल होता है, यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट आपके जीरो से लेकर लिमिट आपके इन्फिनिटी तक है, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर क्या होता है एन माइनस वन होता है डीएक्स होता है, को यहाँ पर गामा फलन द्वारा परिभाषित आपको किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या स्टूडेंट की गामा एन इक्वल टू यहाँ पर लिमिट आपके जीरो से लेकर यहाँ पर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स यहाँ पर आपके होता है। और स्टूडेंट्स इसे हम यहाँ पर आयलर का द्वितीय समाकलन भी कहते हैं यानी यूलर सेकेंड इंटीग्रल भी कहते हैं। कुछ आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी आपके पूछा जाता है कि आयलर का द्वितीय समाकलन लिखिए या यूलर सेकेंड इंटीग्रल आपको लिखना है, तो अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है तो आपको यही आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जी अगर गामा फंक्शन आए तो बीटा फंक्शन तो आपके आना ही है, जैसे कि आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके आता है, ये भी क्वेश्चन आपके स्टूडेंट से यहाँ पर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि देखिएगा बीटा फलन आपके आपके क्या होता है कि एम तथा एन के धनात्मक मानों के लिए निश्चित आपके जो समाकल होता है जहाँ पर इंटीग्रल आप देखिएगा जीरो से लेकर वन तक लिमिट होती है एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर क्या होता है एन माइनस वन डी एक्स आपके होता है, जहाँ पर एम और एन क्या होता है स्टूडेंट आपके ग्रेटर देन जीरो होता है आपके, को हम यहाँ पर बीटा फलन द्वारा यहाँ पर परिभाषित करते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर गामा फलन क्या होता है आयलर का द्वितीय समाकलन होता है यानी यूलर सेकंड होता है, और ये क्या होता है आपका आयलर का प्रथम समाकलन होता है यानी यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल आपके होता है। उसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट यहां पर आप देखिएगा इसे हम बीएमएन से यहां पर व्यक्त करते हैं, यहां पर आप ये इसको देख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये आपके बीटा फलन का यहां पर ये फार्मूला भी आपके होता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप ये क्वेश्चन में 23 देख सकते हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो कि क्या डिरिचलेट समाकलन को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। जब मैंने स्टूडेंट्स आपको सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि 10 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपकी जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपकी ये प्रूफ करने को भी आपको दिया जा सकता है और यहाँ पर आपको इसके जो 2 मार्क्स में आपके इसका फॉर्मूला आपको पूछा भी जा सकता है। तो ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके यहाँ पर ये 2 नंबर्स में आता है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होता है, और अगर आपके 10 मार्क्स में आता है स्टूडेंट तो इसको पूरा आपको प्रूफ करने को दिया जाता है जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो कि क्या स्टूडेंट्स आपके त्रि समाकलन यानी आपके जो ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके चैप्टर होता है उसका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स की पावर एल माइनस वन वाई की पावर एम माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स आपके गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन में क्या होता है गामा एल प्लस एम प्लस एन आपके होता है, जहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट आपके जो एक्स वाई और जो जेड होता है वो तीनों ही आपके ग्रेटर और इक्वल होते हैं आपके जीरो के, और जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है वो लेस देन और इक्वल होता है आपके वन के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसका जो प्रूफ है उसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये आपके सेक्शन बी में आपके पूछा जा सकता है इसका प्रूफ। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 24 आता है। अब आपके यहाँ पर जो फोर्थ यूनिट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे पहले हमने आपको जो तीनों यूनिट के सेक्शन ए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, अब फोर्थ यूनिट के स्टूडेंट्स आपके होने वाले हैं। आप सभी के स्टूडेंट्स को पता ही कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट दोनों के अंदर स्टूडेंट्स आपकी कौन सी बुक होती है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपकी होती है 3D ज्योमेट्री की आपकी बुक होती है। अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो 3D ज्योमेट्री का कौन सा चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपके स्फीयर यानी गोला चैप्टर आपके होता है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में 24 क्या स्टूडेंट्स की 2 गोलों की लंबिकता का यहाँ पर आपको प्रतिबंध लिखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिएगा 2 गोलों की यहाँ पर आपको समीकरण दी हुई है, स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 एक्स प्लस 2v1 वाई प्लस 2w1 जेड प्लस d1 इक्वल टू 0 है, और सेकंड इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2wz प्लस d2 इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है आपके। तब देखिएगा स्टूडेंट कि आपके यहाँ पर लंबिकता का प्रतिबंध क्या होता है 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट d1 प्लस d2 होता है, जो कि गोला आपका फर्स्ट और सेकंड का क्या होता है लंबिकता होने का प्रतिबंध होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके। उसके बाद क्वेश्चन में 25 देखिएगा, जो कि क्या है कि गोले यहाँ पर इक्वेशन दी हुई आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 के बिंदु अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पर स्पर्श तल का आपको समीकरण लिखना है, जो कि क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट आपके, कि यहाँ पर एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा प्लस वी ब्रैकेट में वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू आपके 0 होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके होता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 26 आता है,
जो कि क्या कि व्यास रूप में आपको गोले का समीकरण आपको लिखना है। अभी देखिएगा यहाँ पर कि यदि व्यास के सिरे क्या होता है, स्टूडेंट्स आपके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है, और दूसरा सिरा क्या होता है स्टूडेंट्स आपके एक्स टू वाई टू और जेड टू होता है, तब यहाँ पर आप गोले के समीकरण लिखिएगा जो कि क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप इसे एक्स वन वाई वन और जेड वन आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपके एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन यहाँ पर वाई माइनस वाई टू और प्लस क्या होता है स्टूडेंट जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो आपके होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा जो कि क्या है कि एक दिए हुए वृत्त से गुजरने वाले गोले की समीकरण आपको बतानी है, जो कि क्या होती है स्टूडेंट्स कि एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो होता है, और पी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट यानी आप देखिएगा पी इक्वल टू होता है आपके एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू आपके जीरो होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। उससे पहले स्टूडेंट्स जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत के साथ हमने ये आपके लिए वीडियो बनाया है, ये मटेरियल हमने यहाँ पर तैयार किया है, तो आपको जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लेना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है जिनके भी आपके एग्जाम होने वाले बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के, तो उनको भी आपको जरूर शेयर करना है जिससे वो भी यहाँ पर इन वीडियो का इन क्वेश्चन का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा कि ध्रुवीय रेखा को परिभाषित कीजिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स की, यदि दो सरल रेखा इस प्रकार की हो, यदि उनमें कि किसी एक रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु का संकोच के सापेक्ष ध्रुवीय तल दूसरी रेखा से गुजरता हो, तो ऐसी दिशा में ये रेखाएं संकोच के सापेक्ष ध्रुवीय रेखाएं कहलाती है, यानी पोलर लाइंस आपके कहलाती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा जो कि क्या है कि उस सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण लिखिए जो कि ध्रुवीय से गुजरती हो। अब यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट्स इसके यहाँ पर क्या है कि ध्रुव से गुजरने वाली प्रत्येक रेखा की समीकरण क्या होती है स्टूडेंट्स आपके थीटा इक्वल टू यहाँ पर थीटा वन होता है, जहाँ थीटा वन रेखा का क्या होता है स्टूडेंट्स आपके आरंभिक रेखा से झुकाव होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर आपके, और ये पूरी की पीडीएफ है आपको जो सेक्शन ए के लिए जो हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, इस पूरी की पीडीएफ है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी इस पूरी की पीडीएफ जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इस पूरी की पीडीएफ आपको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30 आता है यहाँ पर आपके, ये गोले के सापेक्ष किसी बिंदु की क्षमता यहाँ पर आपको लिखनी है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि यदि किसी स्थिर बिंदु से गोले को P व Q पर काटती हुई कोई रेखा हो, तो P बिंदु P की शक्ति क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिएगा AP डॉट यहाँ पर AQ आपके होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है स्टूडेंट्स आपके कि ध्रुवीय निर्देशांकों में वृत्त का व्यापक समीकरण आपको लिखना है, जो कि देखिएगा कि वृत्त का ध्रुवीय रूप में समीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपके ए स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर वन आर कोस ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा वन यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 32 है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन के इस साल आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं, जो कि क्या कि निम्न गोले के बिंदु यहाँ पर एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन पर आपको स्पर्श तल का समीकरण लिखना है, और यहाँ पर आपको गोले की समीकरण क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, वो दी हुई है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जी आपको जीरो दी हुई है, उस पर आपको स्पर्श समतल की आपको समीकरण आपको बतानी है, जो कि क्या होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा स्पर्श तल की समीकरण एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन प्लस यू ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स वन प्लस वी ब्रैकेट में वाई प्लस वाई वन प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में जेड प्लस जेड वन प्लस डी इक्वल टू आपके जीरो होता है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके सेक्शन बी में आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 33 है, जो कि क्या है देखिएगा कि पोल एंड पोलर प्लेन यानी ध्रुव और ध्रुवीय समतल को आपको परिभाषित करना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि एक स्थिर बिंदु ए से जाने वाली एक चर रेखा किसी गोले को बिंदु पी और क्यू पर काटे, तथा इस रेखा पर स्थित आर एक ऐसा बिंदु होता है, यहाँ पर आप देखिएगा कि ए आर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, टू ए पी डॉट ए क्यू अपॉन में ए पी प्लस ए क्यू होता है, तो आर का बिंदु पद गोले के सापेक्ष ए का क्या कहलाता है ध्रुवीय समतल कहलाता है, और ए इस ध्रुवीय समतल का क्या कहलाता है ध्रुव कहलाता है, पोल यहां पर आपके कहलाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर आपके क्वेश्चन में 34 आता है, जो कि आपकी जो लास्ट यूनिट है आपकी फिफ्थ यूनिट, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले सेक्शन ए के लिए। यहां पर आप देखिएगा कि केंद्रीय संकोच यानी आपके जो सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इसका इक्वल टू वन के समतल यानी जो प्लेन की इक्वेशन आपके एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी के स्पर्श करने की आपको शर्त आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट्स की स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होता है एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर होता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन में
45 आता है, जो कि क्या है कि दीर्घवर्तक, यानी जो आपकी इलिप्सॉइड होता है, और इसकी इक्वेशन आप अच्छी तरह से जानते ही कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू वन पर बिंदु जो आपका होता है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर आपको अभिलंब की समीकरण बतानी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर अभिलंब की समीकरण क्या होती है, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि होती है आपके एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई वन अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड वन अपॉन में सी स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आप देखिएगा जो कि क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी द्वारा दीर्घवर्तक की जो आपकी इक्वेशन होती है इक्वल टू वन से स्पर्श करने की आपको शर्त बतानी है, जो कि क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आपकी होती है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 37 आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि सकेंद्रीय संकोच यानी जो आपकी जो सेंट्रल कॉनिकॉइड होता है के यहाँ पर नियामक गोले को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। यहाँ पर आप देखिएगा कि सकेंद्रीय संकोच ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू वन की तीन पारस्परिक लंब स्पर्श तलों के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ एक गोला होता है जो कि सकेंद्रीय संकोच से सकेंद्रीय होता है, तो उसे संकोच का क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम नियामक गोला कहते हो। इसके समीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में 38 आता है स्टूडेंट, जो कि क्या है कि संकोच ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू वन के अनुलोपी शंकु का आपको समीकरण लिखना है, जिसका शीर्ष क्या होता है स्टूडेंट, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन होता है। तभी यहाँ पर आप इसके अनुलोपी समीकरण लिखिएगा स्टूडेंट, जो कि क्या है ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस में वन ब्रैकेट में आप देखिएगा ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन माइनस वन का होल स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पर आपकी होता है। उसके बाद क्वेश्चन में 39 है। अब कुछ क्वेश्चन और बाकी रहेगी आपके, देखिएगा कि केंद्रीय संकोच के व्यास को परिभाषित आपको करना है। अब इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स कि केंद्रीय संकोच के केंद्र से गुजरने वाली कोई जीवा केंद्रीय संकोच का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में 40 आता है स्टूडेंट्स कि संकोच के व्यासक समतल को आपको परिभाषित करना है, जो कि क्या है कि किसी संकोच की समांतर जीवा निकाय को समद्विभाजित करने वाला समतल उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, व्यासक समतल कहलाता है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स कि संकोच परिच्छेद का व्यापक समीकरण आपको लिखना है, जो कि क्या होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू आपके जीरो होता है। और आज का स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन में 42 है कि सकेंद्रीय संकोच के किसी बिंदु पर स्पर्श तल की आपको समीकरण लिखनी है, जो कि क्या होती है स्पर्श तल की समीकरण आपके ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू वन आपकी ये होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए तो सबको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएगा, आपकी जो वैल्यूबल कमेंट होती है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, काफी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो तैयार किया गया है, तो आगे हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी वीडियो तैयार कर पाए तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अपने जो फ्रेंड सर्कल है जिनके भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एग्जाम होने वाले, उन्हें ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम कैसा रहा सभी स्टूडेंट्स बाद में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।